नमस्कार, क्लीन न्यूज यूबी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताजा खबरों का। यात्रियों को लेने छोड़ने घर और ऑफिस तक आएगी मेट्रो रेल की बस। हर रोज नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा लाइन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले वक्त में नोएडा मेट्रो की बस आपको घर ऑफिस से लेकर स्टेशन तक आएगी। इतना ही नहीं, रात की लास्ट मेट्रो के यात्रियों को उनके घर भी छोड़ेगी। एनएमआरसी की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है। एक्वा मेट्रो लाइन के घाटे को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही बस सर्विस के प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। 8,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, छूट न जाए मौका, जल्द करें आवेदन। पुलिस शिक्षक, एएनएम, कंप्यूटर ऑपरेटर और इंजीनियर सहित कई पदों पर विभिन्न सरकारी विभागों में 8,000 से अधिक नौकरियां निकली हैं। यह नौकरियां यूपी, एमपी और पंजाब सहित कई राज्यों में निकली हैं, जो सितंबर में खत्म हो रही है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इन नौकरियों के लिए आवेदन नहीं किया है, वह विभागों की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। यहां जानिए किस राज्य में किन पदों के लिए नौकरियां निकली हैं और आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। एनईआर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर चलाई जा रही हैं ट्रेनें, मुसीबत में पड़ सकते हैं यात्री। पिछले माह पीपीगंज के पास गोंडा जा रही मालगाड़ी की कपलिंग टूट गई। कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन लोको पायलटों और गार्डों ने टॉर्च जलाकर कपलिंग को दुरुस्त किया तो ट्रेन आगे बढ़ी। वैसे कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह की दुर्घटना हो, लेकिन अगर रास्ते में किसी भी ट्रेन का इंजन जवाब दे गया या उसके सामने कोई जानवर आ गया, कोचों के बीच की कपलिंग टूट गई या कोई अन्य तकनीकी खामी आ गई, ऐसी परिस्थिति में अब समय से मरम्मत नहीं हो पाएगी। गोरखपुर लखनऊ के बीच बिना संरक्षा उपकरण के ही ट्रेनें चल रही हैं। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सरसों तेल का मूल्य, एक सप्ताह में इतना बढ़ गया भाव। सरसों के तेल की कीमतें आम लोगों के पहुंच से दूर होती जा रही है। एक सप्ताह के भीतर सभी कंपनियों के तेल के भाव में 5 से 8 रुपए की तेजी आई है। गुरुवार को थोक मंडी में सरसों का तेल 178 से 185 तो फुटकर में 190 से 198 रुपए लीटर तक बिका, जबकि मेलों पर सरसों का तेल 225 रुपए किलो बेचा जा रहा है। चीनी और सोयाबीन के दामों में भी उछाल आया है। चीनी में 4 तो सोयाबीन में 15 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। थोक कारोबारियों के मुताबिक वायदा कारोबार पर अंकुश न लगने के कारण सरसों के तेल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के लिए 5 अक्टूबर तक आ सकती है पहली मेरिट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 तक। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष में 5 अक्टूबर तक मेरिट जारी करने की तैयारी है। स्नातक प्रथम वर्ष में बीए, बीकॉम, बीएससी सहित तमाम कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर तक चलेंगे। इनके आधार पर विश्वविद्यालय की ओर से 5 अक्टूबर तक किसी भी समय पहली मेरिट जारी की जा सकती है। बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी में पंजीकरण 27 के बाद भी जारी रहेंगे। इन विषयों के अलावा स्नातक प्रथम वर्ष के अन्य विषयों में प्रवेश लेने के इच्छुक जिन छात्रों ने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है, वह 27 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। 27 सितंबर को वैक्सीनेशन का होगा महाअभियान, 53,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। प्रतिदिन की तरह होने वाली जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में नए नए फैसले लिए जाते हैं, वहीं डीएम लगातार उन फैसलों की समीक्षा भी करते हैं। यही कारण है कि जनपद में कई सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच पा रही हैं। शुक्रवार को हुई बैठक में 27 सितंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में वैक्सीनेशन, गोल्डन कार्ड इत्यादि जन कल्याणकारी योजना की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लगातार की जा रही है। डॉक्टर महेंद्र जतारिया ने जानकारी दी कि जनपद में 27 सितंबर को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें 53,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य है। 27 सितंबर को भारत बंद के समर्थन में आई बैंक कर्मचारी यूनियन। कृषि कानून के विरोध में अब संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। 27 सितंबर के भारत बंद को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारी अन्य यूनियनों के भी संपर्क में हैं। वहीं 27 सितंबर के भारत बंद को अब बैंक यूनियन का भी साथ मिल गया है, यानी बैंक यूनियन ने भारत बंद को समर्थन देने की बात कही है। आगरा में डेंगू बुखार से बिगड़ते हालात पर सपा का प्रदर्शन, सपा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय पर दिया धरना।
आगरा में डेंगू और बुखार के लगातार मामले बढ़ने के बाद अब इस पर सियासत गरमाने लगी है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की मौतों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि गाँव में बुखार से पीड़ित बच्चों को बेहतर इलाज मिले, जिससे बच्चों की मौतों को रोका जा सके। पहले कोरोना, अब डेंगू से मर रहे लोग शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, शहर अध्यक्ष वाजिद निसार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएमओ कार्यालय पर पहुंचे। बुखार से 18 बच्चों की मौत, स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम न होने को लेकर सभी लोग धरने पर बैठ गए। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। शहर अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में पहले लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ा, इसके बाद अब डेंगू और बुखार से बच्चों की मौत हो रही है। 20 जिलों में 2 दिन तक होगी झमाझम बारिश, ठंड के मौसम का होगा आगाज। लखनऊ में गुरुवार शाम को बारिश हुई, सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। यहां सुबह से ही काले बादलों ने डेरा जमाए रखा। दोपहर करीब 1 बजे यह बरस गए, जिसमें मौसम कुछ ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने करीब 20 जिलों के लिए अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुलाबी ठंड का भी इसी दौरान आगाज होने का अनुमान जताया गया है। बीते 2 दिनों तक लखनऊ समेत प्रदेश के कुछ जिलों में उमस थी, लेकिन उसके बाद मौसम ने फिर करवट ली। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर समेत पश्चिमी यूपी में जोरदार बारिश हुई। आज भिड़ेंगे धोनी कोहली, सीएसके से कैसे निपटेंगे आरसीबी के दिग्गज। आईपीएल के 14वें सीजन के 35वें मैच में शुक्रवार को शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। आरसीबी की टीम पिछले मैच की करारी शिकस्त को भुलाकर धोनी की अगुवाई वाली सीएसके के खिलाफ लय में लौटने की कोशिश करेगी। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों में 6 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। केकेआर की मुंबई पर एक तरफा जीत, अय्यर त्रिपाठी की तूफानी पारी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का 34वां मुकाबला आबूधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। कोलकाता ने वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी की शानदार पारियों के दम पर मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया। इसी जीत के साथ कोलकाता के 8 अंक हो गए हैं। अंक तालिका में वह 4थे स्थान पर पहुंच गई है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए थे। केकेआर ने 156 रनों के लक्ष्य को 15.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर दिया। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।